नमस्कार दोस्तों, अगर आप जल्दी रात को सोना चाहते हो लेकिन फिर भी आप सो नहीं पा रहे हो, अगर सुबह आप जल्दी उठना चाहते हो फिर भी आप उठ नहीं पा रहे हो, अगर सुबह उठ भी जाते हो तो उठने के बाद भी आप काफी देर तक थकान महसूस करते हो, ये सब क्यों होता है? आपका कौन सा हैबिट इसके लिए जिम्मेदार है? एक अच्छी नींद क्या होती है? बिना चाहे भी आपका सबसे प्यारा मित्र, मैं आपका फोन का बात कर रहा हूँ, हर एक रात को जब आप सोने जाते हो उस टाइम वो आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको कैसे हर रोज बदलते जा रहे हैं और आखिर में आप सुबह उठ के टायर्ड फील करते हो, तो अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं आपके साथ ये सारे बात करने वाला हूँ, बने मेरे साथ और पूरा वीडियो को एंड तक देखिए। मैं हूँ प्रिंस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ 90% टाइम। मैं और शायद आप भी सुबह जब लोग हम लोग उठते हैं तब हम लोग मोबाइल फोन के साथ उठते हैं, रात को सोने जाते हैं तब तक हम लोगों के साथ मोबाइल फोन रहता है, और कब सो जाते हैं हम लोगों को पता नहीं चलता लेकिन फोन को जरूर पता चलता है। लेकिन सोने से पहले तक मोबाइल फोन आखिर में यूज करना चाहिए कि नहीं? अगर यूज कर भी रहे हैं तो कौन सा टाइप के मटेरियल, कौन से टाइप के कॉन्टेंट उस टाइम देखना चाहिए या तो सुनना चाहिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। एंड दूसरी क्वेश्चन जो है वो है, एक अच्छी नींद क्या होती है? अच्छी नींद क्यों जरूरी है? जब कोई भी एनिमल सो जाता है, यानी कि इंसान हो और दूसरा कोई एनिमल हो, कोई भी हो, अगर वो सो गया मतलब वो कॉन्शसनेस उसका चला गया। कॉन्शस मतलब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूरा माइंड मेरा सजाग है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं सो जाऊँगा, आप कोई भी सो जाएगा, तब उसका माइंड काम करना बंद कर देता है। कौन सा? कॉन्शस माइंड। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, माइंड के सारे जो भाग होते हैं, जब हम लोग जगे हुए रहते हैं तब हम लोगों का कॉन्शियस माइंड काम करता है, उस टाइम जब लोग हम लोग सो जाते हैं तब हम लोगों का कॉन्शियस माइंड टर्न ऑफ हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड तब तक काम होता है। अब माइंड अगर सो गया, बस माइंड नहीं सो जाता, इसके साथ साथ फिजिकल अपीयरेंस काफी सारा बदलाव भी आता है शरीर के अंदर। तो सबसे पहला होता है कि आपका जो हार्ट रेट है वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, उसके जो आपका जो आई मूवमेंट है, हम लोग कोई किसी चीज के तरफ देख रहे हैं तब बस देख ही नहीं रहे हैं, हम लोगों का जो आंख है वो हर तरफ दिख रहा है, वो हिल रहा है इधर उधर हर तरफ, लेकिन हम लोग जब सो जाता है तब हम लोगों का आई मूवमेंट स्लो हो जाता है, हम लोगों का हार्ट रेट कम हो जाता है, बीएमआर कम हो जाता है, सारे चीज होता है, बॉडी टेम्परेचर फॉल कर जाता है, इतना कुछ होता है। लेकिन ये सारे चीज अगर सही टाइम पे हो रहा है, अगर इसका होने का जो पैटर्न है सही से हो रहा है, अगर ये हो भी रहा है कि नहीं, ये सारे चीज डिसाइड करता है कि आप एक अच्छी नींद ले रहे हो। अब इसी बीच में दो काम होता है। अब जब पहले सो गए, सोने के लमसम एक से दो घंटा तक स्टेज वन स्लीप रहता है, एंड एक घंटा दो घंटा के बाद आपका शुरू होता है स्टेज टू, एंड उसके बाद आपका होता है रेम स्लीप। ये रेम स्लीप जो होता है स्टेज वन में, आप जब सो जाओगे आपको कोई अगर बुलाएगा उस टाइम, कोई कॉल करेगा, थोड़ा नॉक कर देगा, तब आप उतना भी नहीं गहराई में गए नींद के अंदर तो आप तुरंत उठ सकते हो, लेकिन अगर आप एक बार रेम स्लीप में चले गए तो उस टाइम उठना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड इस टाइम क्या होता है, जो रेम स्लीप वाला स्टेज होता है, इस टाइम आपका जो मेमोरी है, अभी आपने कुछ पढ़ा है, किया है, अभी किसी ने किसी नया दोस्त के साथ मिला है, अगर कोई चीज आपको याद करना है, ऐसे कोई चीज है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई इमेज है, पिक्चर, कुछ भी है, वो आपका टेम्पोररी मेमोरी में रहता है। मतलब आपका मेमोरी में सिंपली रैम के अंदर, जैसे कंप्यूटर में रहता है कुछ भी चीज, कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया, रैम के अंदर कुछ नहीं रहता है, सारे हार्ड डिस्क में जो रहता है वही रहता है। तो आप समझ लीजिए कि आपका जो हार्ड डिस्क है, ब्रेन का अल्टीमेट हार्ड डिस्क, उसको जब रेम स्लीप में आप होते हो, जब डीप स्लीप में आप होते हो, उसी टाइम आपका सारे जो इंफॉर्मेशन मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर होते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक अच्छी नींद। अगर आपका मेमोरी जो है, आपका जिंदगी का हर एक लम्हा जो है वो अगर आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर नहीं हो रहा है सही सही से, तो मतलब काफी ह्यूमन बॉडी माइंड आपके सबके लिए मतलब काफी खराब है, मतलब तब तो काफी कुछ हम लोग लूज कर देंगे। दैट्स व्हाई एक अच्छी नींद काफी जरूरी है। नाउ क्वेश्चन इज, अगर हम लोग सोने से पहले कोई वीडियो देखेंगे, सोने से पहले अगर और कुछ भी देखेंगे वीडियो किसी टाइप के, तो भाई उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसमें यही है कि हम लोग जब कोई भी स्क्रीन पे देखते हैं, हो सकता है टीवी का स्क्रीन, हो सकता है आपका फोन का डिस्प्ले और खराब इसलिए है कि वो आपके काफी मतलब आंख के नजदीक रहता है, तो जब हम लोग कोई भी डिस्प्ले की तरफ देखते हैं तो वो ब्लू लाइट एमिट करता है। ब्लू लाइट एमिट करने से क्या होता है, जब हम लोग सोते हैं, जो मुझे नींद आ रहा है, मैं सोना चाहता हूँ, इस टाइप ये फीलिंग्स कैसे होता है? ये फीलिंग्स इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों का जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर एक हार्मोन रहता है, इस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। ये हार्मोन तब प्रोड्यूस होता है जब हम लोगों का नींद
आना चाहिए जब नेचुरली प्रोड्यूस होता है, जब नींद हम लोगों को लेना चाहिए, या तो ऐसा सिचुएशन अंधेरा घर के अंदर आप रह रहे हो तब ये हार्मोन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आँख को पता है लाइट से बाहर हम लोग जब लॉन्ग टाइम तक रहते हैं तब हम लोगों को नींद के लिए रहते हैं, तो नेचुरली ऑकर होता है। मेलाटोनिन हार्मोन स्लीप के लिए कारण है, लेकिन हम लोग अगर ब्राइट लाइट के सामने रहेंगे काफ़ी देर तक तब ये मेलाटोनिन हार्मोन निकलना ब्रेन से बंद हो जाएगा। अगर ये बंद हो जाएगा तो बॉडी का ही सिग्नल मिलेगा कि भाई अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये आप दुकान से खरीद के खा भी नहीं सकते हो कि भाई खरीद लिया खा लिया चलो मेरा नींद आ गया, ऐसा बात तो नहीं है, नेचुरली इसको आना पड़ेगा, नहीं तो उसका अलग अलग साइड इफेक्ट होता है। तो रिकमेंडेशन क्या है, मैं आपको तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप सोने से पहले कुछ मत देखो, मतलब कुछ कोई वीडियो मत देखो सोने से पहले। अगर आपको फिर भी दिल नहीं मान रहा है तो आप सुनो यार, आप कुछ म्यूजिक सुनो, अगर म्यूजिक नहीं है कोई तो स्टोरी सुन सकते हो, यूट्यूब हो और काफ़ी जगह गूगल है, हर एक जगह आपको मतलब ऑडियो सोर्स के तलाश करो, कोई ऐसे ऑडियो सोर्स जो आपको एंटरटेन करते हो वो आपको एंटरटेन भी कर रहा है, जैसे कि वीडियो आपको एंटरटेन कर रही है ऐसे ऑडियो भी आपको एंटरटेन कर सकती है, अगर आपको उसको आदत आपने डालना स्टार्ट किया तभी। लेकिन आपको आँख से कुछ नहीं देखना है, वीडियो देखना नहीं है, अब सुनो कुछ सुनो, कोई म्यूजिक सुनो, कोई ऑडियो स्टोरी सुनो, यूट्यूब में सर्च मारो काफ़ी सारा मिल जाएगा। मैं जैसे सोने से पहले मैं कभी संडे सस्पेंस स्टार्ट करता हूँ, कभी कोई मेलोडी स्टार्ट करता हूँ, मेडिटेशन म्यूजिक मैं और भी काफ़ी सारा चीज सुनता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में सारे दे चुका हूँ, आप पसंद कर सकते हो तो आप देख लेना आपको मिल जाएगा। ये तो क्या मेरा बात, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप सोने से पहले क्या देखना चाहते हो, आप कमेंट में जाके कमेंट करके बताओ कि आप क्या देखते हो। तो काफी सारा रिसर्च भी हुआ है, सोने के टाइम से पहले अगर हम लोग कोई वीडियो देखते हैं कुछ कंज्यूम करते हैं आँख से तो इसमें क्या होता है, काफी यूनिवर्सिटी में ऐसा रिसर्च हुआ है तो उसमें पता चला है कि अगर जो लोग देखते हैं 2-3 घंटा तक वीडियो उसका 20-30% का मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हो जाता है, वो लोग मतलब ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगे, प्रॉब्लम है आँख का, प्रॉब्लम फैटिग, उसके बाद आइशोमानिया, स्लीप का प्रॉब्लम, काफी सारा प्रॉब्लम इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप बी केयरफुल। सो द प्रॉब्लम नंबर 2 इज डिसरप्शन एट सबकॉन्शियस लेवल। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बता रहा था, तो स्टडी शोज दैट कि हम लोग सोने से 1-2 घंटा पहले तक और सोने के बाद जब हम लोग नींद से उठते हैं तब 1 घंटा तक जो काम हम लोग करते हैं, जो चीजें हम लोग सुनते हैं और जो चीज हम लोग देखते हैं, ये सारे चीज मिलके हम लोगों का जो सबकॉन्शियस माइंड है इसको अफेक्ट करता है। और सबकॉन्शियस माइंड कब काम करता है, जब आपका कॉन्शियस माइंड स्टॉप कर देता है काम करना तब आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। मतलब देखो आप कोई वीडियो अगर सोने से पहले तक देख रहे हो तो वो वीडियो क्या होगा, आपका जब ड्रीम में भी आ सकता है, आप सो गए उसके बाद आप नींद के अंदर भी आप देख रहे हो कि कोई मतलब पबजी का गेम खेल रहे थे तो मतलब सो गए उसके बाद आपको फिर दिखाई दिया कि कोई एनिमी सामने आ रहा है और उसको गेम से मारो करके, तो ये सारे चीज सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का जो डिस्ट्रक्शन है काफी खराब है, मतलब आपका जिंदगी चलता है लमसम 80% सबकॉन्शियस बेस्ड। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड को अगर हार्ड कर रहे हो मतलब उसको यूज करो कोई अच्छा काम के लिए, कोई अच्छा चीज सुनो सोने से पहले, तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। एंड दिस वन इज फॉर यू, आप बोल सकते हो कि भाई मैं रात को सोने से पहले वीडियो वगैरह कुछ नहीं देखता फिर भी मेरे को नींद नहीं आ रहा है, ये क्यों हो रहा है। देखिए सर्कैडियन रिदम बोल के एक चीज होता है जो 24 आवर्स में हर एक टाइम आपके बॉडी और माइंड के साथ रिपीट होता है, एक कारण है इसीलिए आप हर 24 आवर्स में एक बार सोने जाते हो आपका नींद आता है। रात को 11 बजे 12 बजे आपका हर रोज नींद आता है या 10 बजे आता है किसी का, तो ये हर एक इंसान के अलग अलग होता है, लेकिन आपके शायद हो सकता है कि किसी कारणवशत आपका वो सर्कैडियन रिदम जो है वो बिगड़ गया। तो मैं आपको रिकमेंड यही कर सकता हूँ कि आप एक काम कर सकते हो कि दिन में जब आप रहोगे तो ब्राइट लाइट के सामने आप रहो, आँख को थोड़ा स्काई की तरफ देखो जहाँ ब्राइट लाइट है, और रात को जब आप सोने जाओगे सोने से 1-2 घंटा पहले तब आप ब्राइट लाइट की तरफ मत देखना, कोई कैफीन वगैरह का कुछ मत पीना। तो मैं जो बात कर रहा था कि कौन सा वीडियो हम लोगों को नहीं देखना चाहिए, किस टाइप के वीडियो हम लोगों को नहीं देखना चाहिए सोने से पहले तक, मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी तक मतलब आपको मैं बोला वीडियो नहीं देखने के लिए फिर भी आप देखोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर कोई हॉरर मूवीज हो, कोई एक्शन मूवीज हो, कोई गेमिंग रिलेटेड कॉन्टेंट हो, कोई पोर्नोग्राफी रिलेटेड कॉन्टेंट, मतलब हाई अराउजल कंटेंट, जो चीज आपको ज्यादा उत्तेजित करता है, उस सारे चीज आप सोने से पहले मत देखो, क्योंकि वही आपको जिंदा रखेगा, मतलब उठा कर रखेगी भाई मत सो देखो देखो। सो दिस इज ऑल, डोंट वॉच दिस टाइप ऑफ कंटेंट। एंड दूसरी बात, दिस इज लाइक ए बोनस टिप कि आप अगर फिर भी मोबाइल चला रहे हो रात को सोने से पहले तक तो आप एक काम करो, रीडिंग मोड ऑन कर लो। रीडिंग मोड क्या है, जो ब्लू लाइट आ रहा था वीडियो से मोबाइल से तो उसको हम लोग रीडिंग मोड बोल के एक ऐप्स होता है,
और आपके मोबाइल के अंदर अगर एमआई का फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, नोटिफिकेशन को ऐसे नीचे करोगे तो एक आँख का सिंबल रहता है, उसको क्लिक करते ही फ़ोन का डिस्प्ले थोड़ा योलिश हो जाएगा। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लो, मैं लिंक फिर भी दे चुका हूँ, कॉमेंट सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर लेना। रीडिंग मोड ऑन करते ही थोड़ा बहुत जो है ब्लू लाइट एमिट होना बंद हो जाएगा और आपका आँख थोड़ा बहुत मतलब सही लगेगा, फील होगा कि हाँ चलो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। एंड तीसरी बात, आपके फ़ोन में अगर फैसिलिटी है तो आप ऑटो शट डाउन जरूर ऑन करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग सो जाते हैं, फ़ोन चल रहा है अपने आप से, वीडियो चल रहा है, जियो का भी खास करके जो ऐप्स है जियो टीवी वाला, उसको मतलब आप चला के छोड़ दोगे तो पूरा रात चलेगा, कभी अपने आप से बंद नहीं होता है, उसका स्ट्रेटेजी यही है। तो इस टाइप के जो ऐप्स हम लोग यूज़ करते हैं इसको मतलब फ़ोन को अगर ऑटो शट डाउन मोड में डाल देंगे हम लोग तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक फ़ोन शट डाउन होगा किसी भी टाइम में, तो डिस्टर्ब नहीं होगा, वीडियो देख भी रहे थे तब भी वीडियो बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन में जो नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो फ्रिक्वेंसी है, टावर का जो वेव है, हम लोग को बॉडी के आसपास में अगर फ़ोन रहता है तो डिस्टर्ब करता है, वो बॉडी के लिए ख़राब है, ये सारे चीज ऑटो शट डाउन मोड से बंद हो जाएगा। फोन बंद हो गया और सुबह उठोगे ऑटो स्विच ऑन कर देना, फोन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। एंड लास्ट में यही बोल रहा हूं कि चलो आप फोन को स्विच बंद नहीं करना चाहते हो तो आप स्लीप टाइमर बोल के ऐप्स होता है उसको, कोई भी काम करने से पहले अगर उसको ऑन कर दो, 20 मिनट का टाइम आपने सेट कर दिया, 30 मिनट का सेट कर दिया, आप सो भी गए तो 20 मिनट बाद वो फोन ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए यही सब था, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर सब्सक्राइब करना भूल गए तो फिर बाद में मैं आपके सामने वीडियो नहीं ले के आ पाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सी यू।